तो इंतज़ार हो गया ख़त्म, आ गया नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि मैं लेके आ चुका हूँ बिग साइज ऑफ फुतोमा की रोल का पार्ट टू। ये वही रोल है गाइस, मैंने पहली पार्ट्स पे दिखाया था मेरा फर्स्ट पार्ट। ये रोल ऐसे सेंटर से कट करने के बाद फिर से उसका सेंटर से कट करना है, एंड सेंटर नोरी सीट का सेंटर साइड में, इनसाइड से ब्लैक नोरी सीट्स एंड आउटसाइड से कोकुम्बर, दोनों तरफ से सेम सेम साइड से रखना है। एंड देन मेरे पास कैरेट्स पिकल है गाइस, मैं कैरेट पिकल यूज़ कर रहा हूँ। रोल का इनसाइड स्टफिंग थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको मिला के कैरेट्स को स्टेप टू स्टेप रख के ही इसको बनाया जा सकता है। एंड ये रोल्स मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, कैसा बनेगा वो तो आप लोग एंड में रिजल्ट आप लोग देख ही लें। एंड सब लोग, सब सारे शेफ जितने भी आज तक सुशी शेफ हैं, मेरे से भी लेजेंड शेफ, सब ने ट्राई किया हुआ होगा ये रोल, एंड मैंने भी आज ट्राई किया। अब आने वाले नए सुशी शेफ भी मेरे वीडियो देख के भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। मैंने इसीलिए ये वीडियो आप लोगों के सामने लाया हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो सपोर्ट कीजिएगा मेरी वीडियो को, मोर लाइक शेयर कीजिएगा। तो फोल्डिंग के लिए हमारा स्टफिंग रेडी है, सो अब मैं फोल्डिंग करने जा रहा हूँ रोल। ऐसे फोल्ड एंड माकी शू फिर से प्रेस करना है, एंड देन नोरी सीट के साइड में राइस से हम प्रेस करके करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि रोल खुलने का चांसेस कम रहता है ऐसे, तो मैं राइस से यूज़ करता हूँ। कई लोग वाटर भी यूज़ करते हैं बट राइस इज़ बेस्ट आई थिंक। रोल इज़ रेडी, बिग साइज ऑफ फुतोमा की रोल, देख सकते हैं। अब कट करके सेंटर साइड देखना है स्टफिंग कैसा हुआ, जस्ट कटिंग 1/2/4 ऐसे कट करके, एंड उसका इनसाइड का स्टफिंग टॉप साइड से शो करना है। सो मेरा नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका फुल प्लेटिंग वीडियो के साथ। गाइस सपोर्ट चाहिए मोर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।